नमस्कार दोस्तों, हम रामकलश यादव दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूं कि हमारी गाय और भैंस के थन में दूध कम आता हो या थन बंद हो गया हो, धार बिल्कुल नहीं आती हो, धार बहुत पतली आती हो या धार बहुत ताकत दे करके आता हो। तो इसके लिए दोस्तों हम आज आप लोगों को घरेलू और देसी उपाय बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने गाय भैंस के थन यानी छाती को सही कर सकते हैं और धार को मोटा कर सकते हैं। धार तेजी से आएगा, धार में कोई भी दिक्कत है सही हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या क्या देना है सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमें आवश्यकता क्या क्या चीजें पड़ेंगी हम इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले चाहिए 250 ग्राम घी। इतना ध्यान रखना है, अगर आपको गाय के लिए देना है तो भैंस का घी देना जरूरी होता है। अगर हमें भैंस को देना है तो गाय का घी जरूरी होता है, देसी घी होना चाहिए 250 ग्राम। और साथ ही साथ हमें चाहिए काली मिर्च। काली मिर्च अगर हम मात्रा की बात करें तो हमें चाहिए 25 ग्राम। 25 ग्राम काली मिर्च जो कि उसका पाउडर बना लेना है, पाउडर बना करके उस घी में डाल देना है। उसके बाद हमें चाहिए 30 ग्राम काली जीरी। एक काली जीरी दो प्रकार की होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो हमें जो काली जीरी लेना है, छोटी वाली काली जीरी लेना है, उसको भी पाउडर बना के उस घी में काली मिर्च और काली जीरी को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो काली मिर्च है वो उनके जो बंद थन है बहुत तेजी से काम करेगा और काली जीरी काली मिर्च बहुत ही बढ़िया रहती हैं। जो कि उनके अगर बंद नस है तो उसमें क्या है, खून का बहाव होता है यानी प्रेशर होता है। कुछ भी अगर दिक्कत है शरीर में उनके तो बहुत तेजी से वो फायदा करता है। तो उसको जो है आप इसमें मिक्स करके साथ में चोकर दे सकते हैं, डाल सकते हैं या पिसान डाल सकते हैं। उसमें मिक्स करके आप गोला बना करके या गोली बना करके अपने गाय भैंस को खिला सकते हैं। तो जो थन का धार पतला है, मोटा है, थन बंद है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से आपको 3 दिन तक देना है और ये तो जो खुराक हम बताया एक टाइम का है। तो इसी तरह आपको शाम के समय भी देना है जिससे क्या है अच्छी तरह से ठीक हो जाए। सुबह और शाम दोनों टाइम देना है 3 दिन तक। फिर ये 3 दिन के बाद इसमें बहुत तेजी से जो है दूध की धार बढ़ेगी और धार आने लगेगी और जो धार कम है बंद है सब सही हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।